साथियों, हमारे ज़िले में लगातार बरसों से अग्रणी काम करने वाले परमादरणीय बड़े भाई सुकुमार कुशवाहा जी, बहुत ही आज सुखद क्षण है कि हमारे हरदोई ज़िले की आन बान शान राधे कैसेट स्टूडियो कंपनी, जिसके माध्यम से आप लोग हमारे सहित तमाम अन्य लोगों के कार्यक्रम सुनते चले आ रहे हैं, जिसमें नए आज एक स्टूडियो का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसका फीता काट करके उनके पिताजी ने उसका उद्घाटन किया, जिसमें यहाँ पर तमाम हमारे कथावाचक साथी उपस्थित हुए हैं। सभी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, और मैं यही कामना करता हूँ आज इस उद्घाटन के पावन शुभ अवसर पर कि ये स्टूडियो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, जिसमें हम लोग अपना अमूल्य सहयोग देने का काम करेंगे। वचनबद्ध होकर के इस पावन बेला के अवसर पर इस राधे स्टूडियो को और भाई श्री कुमार कुशवाहा जी को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ज़िले की शान बढ़ाने का काम किया है और इस स्टूडियो को हम लोग ऊँचाइयों तक ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए सबसे पहले दो लाइनें तथागत बुद्ध के चरणों में और राधे कैसेट स्टूडियो के प्रोप्राइटर शिव कुमार कुशवाहा जी को बहुत ही हृदय से आभार और मंगल कामनाएं देते हुए बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चाखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा कंचि दुख मा गमा। तो आइए सबसे पहले दो लाइनें भगवान बुद्ध के चरणों में और तत्पश्चात आगे आप लोग सुनेंगे राधे कैसेट स्टूडियो के माध्यम से कि हे बुद्ध तथागत ज्ञान गुरु और करुणा मैं करुणा करेना, तथागत ज्ञान गुरु करुणा मैं करुणा कर देना, और हम सबके अंधेरे इस मन में, हम सबके अंधेरे इस मन में विद्या का दीप जला देना, यह कैसी भी समता छाई है, यह कैसी भी समता छाई है। आज़ादी के 74 साल के बाद में इस देश में अन्याय अत्याचार की अप्रिय घटनाएं जो आती हैं, तथागत बुद्ध ने मानव मानव को प्रेम करने का संदेश दिया था। यहाँ कैसी भी समता छाई है, समता का भाव बने सब में, और सब मिल के रहें यहाँ एक साथ, सब मिल के रहें यहाँ एक साथ, हमें ऐसा ज्ञान सिखा देना,
आया हो भैया। हे बोध तथागत ज्ञान गुरु करुणा में करुणा कर देना। बहुत अच्छे।